अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप कि सारे अच्छे से हैं घरों में, खुश हैं घरों में। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एनिमल किंगडम से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लाऊंगा, उस पर मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो आज मैंने कुछ एमसीक्यूज एनिमल किंगडम से लाए हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन नीट एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो आज मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं फ्रॉम द एनिमल किंगडम से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट। आप पहले स्क्रीन शॉट इसका ले लें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टुडेज लेक्चर। सो गाइस, टेक द स्क्रीन शॉट। आई थिंक होल आ रहा है सर कुछ इसमें, तो आप पहले स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। गाइस चलिए जी, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, सो दैट मैं एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपको हर कोई नजर आए। तो यहां पर थोड़ा सा मैं अब जूम कर देता हूं, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं। हाँ जी, ये सही है, नाउ दिस इज बेटर, लिटिल बिट। तो चलिए जी, पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दैट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर करेक्टली मैच्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग नहीं, आपको कुछ स्टेटमेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट्स में छोड़ो, आपको कुछ ऑप्शंस दिए। तो वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, नीचे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, वो एनिमल्स आर करेक्टली मैच्ड विदाउट एटस वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, विदाउट इवन ए सिंगल एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए जो एनिमल्स है, आप उनमें से देखें कि कौन सा एनिमल अपने करेक्ट फीचर्स के साथ मैच हुआ है और उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी, पहले ऑप्शन पर हम चलते हैं, रेप्टाइल्स। तो इसने क्या लिखा है, रेप्टाइल्स। इसने लिखा है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में तीन चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है, विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। अब देखो, रेप्टाइल्स, हमने रेप्टाइल्स पढ़े हैं, तो हमने रेप्टाइल्स में कहा है कि उनमें तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, सही है, बट उसमें तो एक्सेप्शन भी आता है ना। एक्सेप्शन कौन है, क्रोकोडाइल, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। जो आप यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट चूज करोगे, उस करेक्ट ऑप्शन में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तो रेप्टाइल्स जो है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट तो है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है, दैट इज क्रोकोडाइल्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कॉडेटा, दूसरा है ऑप्शन बी इज कॉडेटा, माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो कॉर्डेटा है वो पोजेस करते हैं वन अपर एंड वन लोअर जॉ, उनमें एक अपर और एक लोअर जॉ होता है, सही है, बट इसमें भी एक्सेप्शन आ रहा है। अब देखो, लोअर जॉ और अपर जॉ, हमने एगेंथोस्टोमेटा पढ़ा है, कॉर्डेट्स में हमने वर्टिब्रेटा जो है, जो सब फाइलम हमने पढ़े हैं, दैट इज हमने उसमें वर्टिब्रेटा पढ़ा है, हमने उसमें ये यूरोकॉर्डेट्स पढ़े हैं, सेफलोकॉर्डेट्स पढ़े हैं, वर्टिब्रेटा पढ़ा है। तो वर्टिब्रेट्स में हमने देखा है, या जो कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट्स है, या हमने एगेंथोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा है, तो उसमें थोड़ी जार्स होते हैं, उसमें वो सकर्स होते हैं, जस्ट लाइक राउंडेड माउथ उनका होता है, सकर्स उसमें होते हैं। ठीक है, और देखो, इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं, कॉर्डेट्स में भी एक्सेप्शन आते हैं, सारे कॉर्डेट्स में जाज, अपर जाओ, लवर जा नहीं हो, तो इसमें भी एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज कॉन्ड्रियोथाइसिस। कॉन्ड्रियोथाइसिस को हम क्या कह रहे हैं, कार्टिलेजनस।
फिशेस पॉसेस कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ऑप्शन कह रहा है कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस है उनमें कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होता है। भाई सही है, करेक्ट है, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेस में कार्टिलेजिस का ही एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, अब पहले हम चौथे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद हम चूज करेंगे कौन सा हमारा सही जाएगा। मैमलिया गेव बर्थ टू यंग्स। अब मैमल्स, कल ही हमने क्लास मैमलिया खत्म किया है, तो हमने देखा है कि मैमल्स में कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनको हम प्रोथैरियंस कहते हैं। प्रोथैरियंस एग लेइंग मैमल्स होती है। तो गेव बर्थ टू यंग वंस, मैमल्स तो खाली यंग वंस को ही बर्थ नहीं देते, दे कैन ले एग्स। वन ऑफ द एग्जांपल इज द ऑर्थोरिंकस डक बिलेट प्लैटिपस। तो इसमें भी एक्सेप्शन आ रहा है, तो दैट मींस अगर मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है तो ये भी नहीं आएगा, क्रॉस हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो रहा है, ए वाला ऑप्शन भी क्रॉस हो रहा है। एंड द करेक्ट ऑप्शन जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, जो जो करेक्टर दिया गया है वो भी 110% एक्यूरेट है। कांड्रियोथाइसिस उनमें कार्टिलेजस एंडोस्केलेटन होता है, और एक्सेप्शन कोई भी नहीं है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वाला आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। एजालस फिश। एजालस फिश मतलब एक फिश है जिसके पास जाज नहीं है, जालस फिश है। विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर, जो कहां एग्स अपने लेकर रही है, फ्रेश वाटर में लेकर रही है। ठीक है, एंड हुज अमोसीटस लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न्स टू ओशन। देखो, और उसका जो लार्वा है, जिसको हमने क्या लार्वा कहा है, अमोसीटस लार्वा जो इसका है, वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, वो वहां पर जब वो जो जालस फिश जो है, ये जब एग्स अपने फ्रेश वाटर में डाल रही है, उसके बाद ये एग्स क्या हो रहे हैं, ये हैच हो रहे हैं, उनमें लार्वा डेवलप होता है। तो कौन सा लार्वा डेवलप हो रहा है, अमोसीटस लार्वा डेवलप यहाँ पर हो रहा है। और उसके बाद जब वो डेवलप हो गया, वो लार्वा इंटू अडल्ट, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इंटू अडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो जब उसकी मेटामॉर्फोसिस हो गई, वो एडल्ट वहां से फिर वापस किसमें आया, ओशन में आया। अगर मैं यहां पर कहूं कि फ्रेश वाटर से ओशन में मूवमेंट करना, माइग्रेशन करना, ठीक है, दैट इज नोन एज कैटेंड्रमस माइग्रेशन। तो अगर ओशन से फ्रेश वाटर में जाएंगे फिशेस जा रही है फॉर स्पॉनिंग पर्पसेस, फॉर लेइंग एग्स और फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज एनेंड्रमस माइग्रेशन, एनेंड्रमस और कैटेंड्रमस। ठीक है, अब देखो यहां से कौन सी ऐसी फिश है। द फर्स्ट ऑप्शन इज पैट्रोमाइजॉन एप्टा एपकैटरेटस मिक्सिन एंड नियोमिक्सिन। तो मिक्सिन, नियोमिक्सिन, एपकैटरेटस एंड पेट्रोमाइजॉन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पेट्रोमाइजॉन। देखो, द करेक्ट ऑप्शन इज पेट्रोमाइजॉन, ये आपको याद रखना है। तो पेट्रोमाइजॉन क्या करती है, देखो पेट्रोमाइजॉन में क्या हो रहा है, एनेंड्रमस माइग्रेशन। पेट्रोमाइजॉन में क्या हो रहा है, जब आप मेरा क्लास लगाओगे फिशेज का, पाइसिस का, तो उसमें आपको समझ आएगा। तो देखो, पेट्रोमाइजान जो है ये क्या कर रही है, ये एनेंड्रमस माइग्रेशन कर रही है। इट मूव्स फ्रॉम ओशन टू फ्रेश वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन पर्पसेस। उसके बाद वहां पर वो एग ले करती है, उसके बाद वो हैच, वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, वो हैच हो जाता है, वो लार्वा बन जाता है, लार्वा के बाद वो एडल्ट बन जाता है। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो एडल्ट वापस आ जाता है इनटू द ओशन। और ये किस में हो रहा है, ये पेट्रोमाइजॉन में हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज पेट्रोमाइजॉन। तो पेट्रोमाइजॉन क्या कर रही है, इट्स अ जालस फिश। ये जालस फिश है, ये भी एक करेक्ट है इसका, ये चीज, ये जालस फिश है। ऊपर से ये जा रही है फ्रेश वाटर, ये जा रही है ओशन से फ्रेश वाटर में, ठीक है, और वहां पर ये ले करती है एग्स। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन्स डज शो विविपेरेंट। अब देखो ये एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट इट्स अ टिपिकल टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। जो भी एंडोपैरासाइट होता है, चाहे एस्कैरस हो, चाहे या कुछ एस्कैरस हो, टीनिया हो, ये बेसिकली क्या करते हैं, दे आर ओविपैरस। ये क्या करते हैं, दे आर ओविपैरस, ये एग्स ले करते हैं। पर देखो यहां पर क्या कह रहा है, एंडोपैरासाइट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन, ये सारे नीचे जो ऑप्शंस हैं वो एंडोपैरासाइट्स किसके हैं, ह्यूमंस के ही है। शोज विविपैरेट, ये कह रहा है कि जो यंग वनस क्या करे, जो यंग वनस डिलीवर करता है। तो मोस्टली जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमंस के एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, मोस्टली वो ओविपैरस होते हैं। बट देखो इसमें क्या है, एंटीरियो बायस वर्मिकुलरिस इट इज ओविपैरस, एग ले करता है, एस्कैस इट इज ओविपैरस, एनकाइलोस्टोमेटा इट इज आल्सो ओविपैरस। देयरफॉर बचा कौन सा ऑप्शन यहां पर, ट्रेचलिना स्पाइरलिस। तो ट्रेचलिना स्पाइरलिस आपको याद रखना है, दिस इज द एंडोपैरासाइट विच शोज विविपैरेट। ये आपको ऐसे ही इसका आपको रट्टा लगाना है कि भाई ये क्या है, ये एक ऐसा एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस का जो विविपैरेटी शो करता है। तो इसका आंसर आएगा ट्रेचलिना स्पाइरलिस, ठीक है। नाउ चौथा क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो क्रॉप एंड गिजर्ड किस में पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप और गिजर्ड किस एनिमल में पाया जाता है। तो अगर यहां पर आर्थ्रोपोडा होता, आर्थ्रोपोडा में भी क्या पाया जाता है, कॉकरोच जो है उसमें भी क्रॉप एंड गिजर्ड पाया जाता है। लेकिन आप देखो या आप यहां ऑप्शंस पर नजर डाल, एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया हमने कहा, हमने पढ़ा है, तो क्लास एम्फीबिया में आपने कभी भी मेरे मुंह से नहीं ये सुना होगा कि उनमें क्रॉप और गिजर्ड होता है। आप देखो रेप्टाइल एव्स, एव्स की बात करते हैं, तो परसों ही हमने एव्स खत्म किया है, तो उसमें मैंने आपको कहा है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स का जो ये गट होता है, गट में एक स्टोरेज, फूड स्टोरेज पार्ट होता है, दैट इज नोन एज क्रॉप। उसके बाद वहां पर एक और क्रॉप के बाद एक और चीज निकलती है, दैट इज नोन एज गिजार्ड। जिस जो गिजार्ड क्या होता है, जो मस्टिकेटरी फंक्शन होता है, तो इसलिए मैंने कहा था कि जब जो बर्ड्स क्या करते हैं, जो दाना खाते हैं वो उसके साथ वो पत्थर भी खाते हैं, सो दैट दैट पत्थर जो स्टोन है वो कहां पर पहुंच जाए, गिजर्ड में पहुंच जाए, और गिजर्ड में वो With the help of that, those small stones, वो mastication कर दे food की। तो gizzard और crop कहाँ पर हमने देखे हैं, एव्स में। अब देखो reptiles, मैंने बोला ही नहीं है कभी reptiles में ऐसा, ठीक है। आप lectures मेरे पहले से देखो, तो reptiles में कोई भी gizzard और crop का कोई भी ये नहीं है, ठीक है। osteothysis, fishes, इनमें भी कोई भी gizzard या कोई भी crop नहीं होता है। तो the only class in which the crop and gizzard is present is Aves. आप Aves का lecture लगा दो, वहां पर आपको समझ आएगा कि crop और gizzard मैंने कहा है और वो क्या होते हैं organs. तो correct option इसका जाएगा Aves, ठीक है। Aves में crop और gizzard होता है। उसके बाद the question number 5, which among these is the correct combination of mammals? अब इनमें से आपको देखना, ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आपको देखना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैमल्स। अब इनमें कौन सी खाली मैमल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैमल्स इन ऑप्शंस में करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैमल्स कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है सील्स, डॉल्फिन्स एंड शार्क्स। सील्स, डॉल्फिन्स एंड शार्क्स। सील्स तो मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है, शार्क थोड़ी मैमल है, शार्क इज नॉट अ मैमल, ठीक है। अब देखो ऑप्शन बी, डॉल्फिन, सील्स एंड ट्राइगोन, ठीक है। तो ट्राइगोन, ट्राइगोन क्या है, स्टिंगरे, इसको हम स्टिंगरे कहते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी देखो डॉल्फिन तो है, सील्स भी है, दोनों क्या है, ये दोनों मैमल्स है, बट ट्राइगोन इज नॉट ए मैमल। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है। तीसरा ऑप्शन व्हेल्स, व्हेल्स व्हेल्स क्या है, मैमल्स है, डॉल्फिन्स मैमल्स है, सील्स मैमल्स है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जा रहा है। अब ऑप्शन डी पर जाएंगे हम, ट्राइगोन। तो ट्राइगोन जिसमें ट्राइगोन आ रहा है वो ऑप्शन पहले ही काट दो, तो जिसमें ट्राइगोन आ रहा है वो ऑप्शन पहले ही काट दो। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, डी वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। फिर रहा पहला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में सील्स, डॉल्फिन्स एंड शार्क्स है, तो शार्क क्या है, शार्क पहले ही इलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि शार्क मैमल थोड़ी है। तो ये हमारा सबसे करेक्ट ऑप्शन बच रहा है, सी ऑप्शन, व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड सील्स। तो दिस ऑप्शन इज 110% करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों क्या है, ये तीनों है
मैमल्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आपको नजर आ रहा है ये सारे ऑप्शंस इसके, थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज कार्टिलेजिनस फिशेस। ऐसे थोड़ा सा कर दूंगा इसको, या सही है ठीक है। अब देखो कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस जो है, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कोरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं और जो बाकी जो दूसरा वाला यहां पर जो ऑप्शंस है, आपको उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को किसके साथ वो करस्पॉन्डेंटली वो किसके साथ सही लग रहे हैं, ठीक है। हमें वो देखना है कि ये अगर यहाँ पर इसने फॉर एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हैं उन, यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए हैं या कुछ क्लासेस दिए हैं इसने, तो उन क्लासेस के इसने कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए हैं। तो ये कह रहा है कि फॉलोइंग कैरेक्टर्स जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप किस ग्रुप, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक किस ग्रुप के साथ करेक्टली मैच हुआ है, तो उस ऑप्शन को आपको ये हमें क्या करना है, बोलना है। आंसर वही ऑप्शन आएगा। देखो ग्रुप क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ग्रुप मैमलिया, मैमलिया इज अ ग्रुप, और यहां पर क्या है इसने लिखा है विविपैरस। अब देखो मैमल्स थोड़ी विविपैरस, सारी कंप्लीटली तो विविपैरस नहीं होती है, देर आर मैमल्स विच आर ओविपैरस। तो पहला वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। पॉजेसिस अ माउथ विद वन अपर जा एंड लोअर जा। देखो जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन था वैसे ही है ये। कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में अपर जाव और लोअर जाव होता है, लेकिन कुछ कॉर्डेट्स में अपर जाव और लोअर जाव होता भी नहीं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है। थ्री चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल रेप्टाइला का करेक्टर है। दैट मीन्स ये पहला ही, ये जो पहला क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है। तो दैट मीन्स इसमें हमारा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है, कार्टिलेजिनस फिशेस विद द एंडोस्केलेटन। तो ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ये फिर से रिपीट हो गया है। अब चलते हैं हम टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। तो चलिए जी अब इस वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें से ऑप्शन चार दिए गए हैं, तो इनमें आपको देखना है Which one of the following characteristic is not shared by birds and mammals? Birds और mammals के दरमियान कौन सा वाला करेक्टर आपस में नहीं मिलता है, जो वो आपस में शेयर नहीं कर रहे। कुछ ऐसा, कोई ऐसा करेक्टर है नीचे दिया हुआ जो बर्ड्स और मैमल्स के दरमियान डिफरेंट है, जो उनका सिमिलर, जो आपस में वो शेयर नहीं कर रहे हैं, जो उनका डिफरेंट है। ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, तो ये तो सिमिलर कैरेक्टर है बोथ। देखो लंग्स जो है, लंग्स से रेस्पिरेशन बर्ड्स भी करते हैं एज वेल एज मैमल्स भी करते हैं, तो ये कॉमन कैरेक्टर है। विविपैरिटी, ठीक है, देखो विविपैरिटी। उसके बाद है वार्म ब्लडेड नेचर, दोनों वार्म ब्लडेड है, एवंस एज वेल एज दैट मींस बर्ड्स और मैमल्स दोनों क्या है, वार्म ब्लडेड है, ये हमने पढ़ा है। ऑसिफाइड स्केल्टन, एंडोस्केल्टन, दोनों के पास क्या है, बोनी एंडोस्केल्टन, उसी को हम ऑसिफाइड एंडोस्केल्टन कहते हैं। तो दैट मीन्स देयर आर थ्री ऑप्शंस विच आर कॉमन, विच आर शेयर्ड बिटवीन द बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स ये भी कॉमन है, एंडोस्केल्टन ये भी कॉमन है, वार्म ब्लडेड नेचर ये भी कॉमन है। अब देखो ये वाला करेक्टर दैट इज विविपैरिटी, बर्ड्स आर ओविपैरस व्हाइल एज मैमल्स आर दे आर ओविपैरस एज वेल एज दे आर विविपैरस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपैरस बट सम आर ओविपैरस टू, बट जो बर्ड्स होते हैं बर्ड्स आर ओनली ओविपैरस। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन विविपैरिटी इज द ऑप्शन जो बर्ड्स और मैमल्स के दरमियान डिफर हो रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अब देखो अनदर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म्स लैक सेल वॉल। अब इनमें से ऑप्शन चार दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि किस वाले ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होती ही नहीं है। पहला ऑप्शन साइनोबैक्टीरिया, भाई इसमें होती है सेल वॉल। सी फैन, अब देखो सी फैन को अभी हम
पहले हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। सी फैट, इसको हम गॉर्गिनिया कहते हैं। तो गॉर्गिनिया देखो, इसके पास सेलवाल नहीं होती, गॉर्गिनिया के पास सेलवाल नहीं होती। सैक्रोमाइसिस, इनके पास होती है सेलवाल। डिलिग्रीन एल्गी, इनके पास भी होती है सेलवाल। ठीक है, तो देयर इज द ओनली वन ऑप्शन व्हिच इज करेक्ट, दैट इज सी फैन, जिसको हम गॉर्गिना कहते हैं। तो इसके पास सेलवाल नहीं होती है, तो ये आप याद रखोगे, सी फैन, इसको हम गॉर्गिना कहते हैं। इज ऑल्सो नोन एज गॉर्गिना, गॉर्गिना यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो छोड़ो, गॉर्गिना इसको हम कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये सबको आता है। प्लैनेरिया पोजेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, आप सबको ये पता है, जब हमने फ्लैट वर्म्स पढ़े थे तो मैंने आपको बोला था प्लैनेरियंस जो क्लास टर्बुलेरिया में आता है, तो पानी में ही पाया जाता है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। और प्लैनेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मेटामॉर्फोसिस, रिजनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या बायोलुमिनेसेंस। अब देखो चार ऑप्शंस मेरे पास है। प्लैनेरिया में हाई कैपेसिटी किसकी है? पहला लास्ट वाला ऑप्शन ले लो, बायोलुमिनेसेंस। किनका कैरेक्टर है? टीनोफोरियंस का, छोटो इसको, ये भी हटा दो बायोलुमिनेसेंस, तो प्लैनेरिया बायोलुमिनेसेंस दिखाता ही नहीं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ओबिलिया, एग्जाम्पल आपको याद आ रही है ओबिलिया की, जो क्या कर रहा है, जो सिलेंट्रेट्स में हमने पढ़ा था, ओबिलिया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिनमें हो रही थी, मेडोसाइड और फिर पॉलीफॉर्म्स कन्वर्शन हो रहा। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट मींस प्लैनेरिया क्या है, इट्स अ फ्लैट वर्म। तो ये तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें हो रही है, ये तो सिंडारियंस में हो रही है। एक रिजनरेशन, अब यहां देखो मेटामॉर्फोसिस क्या है, मेटामॉर्फोसिस मींस इसमें लार्वा बन रहा है, और ये तो है ही नहीं। रिजनरेशन ये कह रहा हाई कैपेसिटी आप किसकी है, इसके इसके पास रिजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। मैंने कहा था कि रिजनरेशन पावर किसमें है, हाइड्रा में भी है रिजनरेशन पावर, बट द मोस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन इज पोजेस्टेड इन प्लैनेरिया। मैंने उसी टाइम कहा था, वो वाला लेक्चर आप देख लेना क्या, जो मैंने प्लांट हेलमाइंथस में पढ़ाया है, जो प्लांट हेलमाइंथस का क्लास है उसमें आप देख लेंगे, मैंने आपको बार बार ये बोला है कि जब भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि रिजनरेशन पावर किसमें ज्यादा है, तो आप क्या ऑप्शन में डालोगे, प्लैनेरिया। तो दैट मीन्स प्लैनेरिया में हाईएस्ट पावर ऑफ क्या है, रिजनरेशन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ए मैरीन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस करंट। एक मैरीन कार्टिलेजनस फिश, तो आपको पता ही है ये मैरीन इन हैबिटेट होती है। तो अब देख, अब ये क्या बोल रहा है कि कोई इसमें एक कार्टिलेजनस फिश ऐसी है जो क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट, जो ही आपके दिमाग में इलेक्ट्रिक करंट आ गया, तो आपके दिमाग में पहली नाम किसका याद आता है, इलेक्ट्रिक रे का। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक रे तो दिखाया नहीं गया है, अब यहां पर क्या गया है, उनके अलग नाम, आपको आपको कॉमन नाम पता है कि उसका नाम इलेक्ट्रिक रे। प्रिस्टिस, मैंने आपको बोला है, जब मैंने आपको कॉन्ड्रियोथाइसिस पढ़ाया है कार्टिलेजनस फिशेस, मैंने आपको बोला है कि वहां पर एक प्रिस्टिस एक फिश होती है जिसके पास क्या होता है, जिसके पास ऐसे वो चोंच होती है, जिसके पास ऐसे वो होती है, दैट्स अ प्रिस्टिस। ठीक है, टॉर्पीडो, देखो टॉर्पीडो, ट्राइगोन और स्कॉलेडॉन। स्कॉलेडॉन को हम इंडियन डॉग फिश कहते हैं, इसको छोड़ो, इसके साथ करंट वरंट का कोई वास्ता नहीं है। ट्राइगोन, ट्राइगोन को क्या कहते हैं, ट्राइगोन का भी कहीं पर जिक्र आया था, ट्राइगोन, ट्राइगोन यहां पर, ट्राइगोन क्या है, इट इज हैविंग अ पॉइजनस स्टिंग। ट्राइगोन के पास क्या होता है, पॉइजनस स्टिंग होता है, जो डॉर्सल फिन होता है इसका, वो पॉइजनस होता है। तो इसके पास, ट्राइगोन के पास पॉइजनस स्टिंग है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, रिड्यूसेस करंट। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। तो टॉर्पीडो क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस, टॉर्पीडो की शक्ल आपको पता ही है, ऐसे शक्ल होती है, हाँ, तो ये प्रोड्यूस क्या करती है, टॉर्पीडो ऐसे होती है, दिस इज टॉर्पीडो, फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट लाइक एज अ टॉर्पीडो, इसके पास ऐसे होती है, हाँ? तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, टॉर्पीडो होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम, यहाँ पर कुछ जीनस के नेम, जीनस नेम दिए गए हैं, इट इज टू कैरेक्टर्स और उनके दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एंड इट इज फाइलम, और उनका फाइलम भी दिया गया, आर नॉट करेक्टली मैचड। तो आप जहां
आपको नीचे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसमें देखो कि कौन सा जीनस नेम उन कैरेक्टर्स के साथ मैच नहीं हो रहा है और उस फाइलम के साथ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? आर नॉट करेक्टली मैच्ड व्हाइल एज रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट। तो इसमें से तीन ऑप्शंस करेक्ट है, खाली एक ही ऑप्शन गलत है। आपको वो गलत वाला ऑप्शन क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा एक गलत ऑप्शन इसमें है जो उनके, अगर यहां पर जीनस नेम दिया गया है वो जीनस नेम उन कैरेक्टर्स के साथ मिलता नहीं है। पहला ही देखेंगे, पहला ऑप्शन पीलिया, जिसको हम एबल स्नेल भी कहते हैं। तो बॉडी सेगमेंटेड, हाँ बॉडी क्या है इनकी, सेगमेंटेड मोलास्का, फाइलम मोलास्का है। तो फाइलम मोलास्का में आप, अगर आप मेरा लेक्चर शुरू हो फाइलम मोलास्का का, तो मैंने कहा था बॉडी इज अनसेगमेंटेड, बॉडी इनकी सेगमेंटेड हो ही नहीं सकती है। तो पहला ही ऑप्शन मेरे पास गलत है, बॉडी सेगमेंटेड है। इसने कहा है बॉडी सेगमेंटेड है, तो मैं कह रहा हूं बॉडी अनसेगमेंटेड है, मोलास्का की होती है। माउथ विद रेड्यूला, माउथ में रेड्यूला प्रेजेंट है, ये तो सही बात है, बट बॉडी अनसेगमेंटेड है, ठीक है? तो यहां पर ये तो इनकरेक्ट बन रहा है मेरा, ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये पीलिया इसके साथ नहीं मिलती है, ठीक है? अब देखो दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम, एस्टेरिस। एस्टेरिस क्या है, इनको हम स्टार फिशेस कहते हैं। अब देखो स्पाइनी सिक्रेट इकाइनोडर्मेटा, वेरी गुड, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हम क्या कहते हैं, स्पाइनी सिक्रेट एनिमल्स हम उनको कहते हैं। तो पहला वाला करेक्टर सही है, और उनमें इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको एम्ब एक्रल सिस्टम भी कहते हैं। तो दैट मींस दिस इज करेक्ट, और एस्टेरिस उसकी एक एग्जांपल है, एस्टेरिस इज अ स्टार फिश। साइकॉन, साइकॉन का नाम भी आपने सुना होगा, पॉर फ्रेंड्स की बात हो रही है यहां पर, साइकॉन। तो पोर बेयरिंग हो गए, तो पोर बेयरिंग एनिमल्स आर नोन एज पोरिफेरेंस, तो फाइलम पोरिफेरा है, इनको हम पोर बेयरिंग एनिमल्स कहते हैं। कैनाल सिस्टम इनमें होता है, एस्कनाइड साइक्नाइड ल्यूकेनाइड कैनाल सिस्टम, तो साइकोलॉजिस्ट बना था एग्जाम्पल, ये भी करेक्ट है। पेरिप्लांटा, पेरिप्लांटा अमेरिकाना, दैट इज कॉकरोच जो होता है, या ये हाँ पेरिप्लांटा भी है, वही है। जॉइंटेड अपेंडिज, तो जॉइंटेड अपेंडिज किस फाइलम में होता है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं। पेरिप्लांटा भी क्या है, ये भी एक इंसेक्ट है, इनके पास किडनी से एक्सोस्केलेटन होता है। सही है, 110% सही है। तो दैट मींस ये तीन ऑप्शंस तो करेक्ट है, लेकिन ये वाला ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है, तो मुझे इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना था। तो दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये सबसे इनकरेक्ट यही है। अब क्वेश्चन 12 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर नेम इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। कौन सा एनिमल अपनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के साथ कंप्लीटली मैच हो रहा है, तो आपको उस वाले ऑप्शन को टिक करना है, ये चूज करना है। कटल फिश, कटल फिश क्या है, मोलास्का एक्लास, ठीक है, मोलास्का एक्लास। आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, देखो काटल फिश, मोलास्क, एक्लास। दूसरा हम देखेंगे ह्यूमनस, प्रिमेट्स द फैमिली, हाउस फ्लाई, म्यूसा एनोडर। देखो ये काटल फिश, मोलास्क, एक्लास गलत है, ये पहला ही गलत है। ह्यूमनस, प्रिमेट्स द फैमिली, प्रिमेट्स थोड़ी फैमिली होती है। हाउस फ्लाई, म्यूसा एनोडर थोड़ी होता है ऐसा। टाइगर, टाइग्रेस द स्पीशीज, एग्जैक्टली, ठीक है। पैंथ्रा लियो, पैंथ्रा टाइग्रेस, पैंथ्रा, पैंथ्रा मीन्स क्या है, जीनस, टाइग्रा, पैंथ्रा टाइग्रेस, टाइग्रेस इज अ स्पीशीज, तो टाइग्रेस क्या है, ये स्पीशीज है। टाइगर को टाइग्रेस हम लिखते हैं, पैंथ्रा टाइग्रेस, पैंथ्रा लियो हो गया लाइन, पैंथ्रा टाइग्रेस। तो टाइग्रेस मीन्स पहले जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसमें पहले जेनेरिक नेम आता है, उसके बाद स्पीशीज नेम आता है। तो पैंथ्रा मीन्स जीनस नेम, उसके बाद पैंथ्रा टाइग्रेस मीन्स टाइग्रेस इज अ स्पीशीज नेम। तो टाइगर का स्पीशीज नेम टाइग्रेस है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना था, एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अनदर क्वेश्चन, ये आपको आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आ रहा है, हाँ। देखो विच वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग द आउटसाइड। इसमें से आप यहां पर एक एग्जाम्पल है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस। तो इन चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके पास खाली एक ही ओपनिंग है, और वही ओपनिंग उसको माउथ भी एक्ट करती है एज वेल एज एनस भी एक्ट करती है।
तो पहला ऑप्शन है ऑक्टोपस। भाई ऑक्टोपस में सेपरेट ओपनिंग्स होती है, मोस्ट इंटेलिजेंट इनवर्टेब्रेट्स में ये आता है ऑक्टोपस। तो ये क्या है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में होता है कि ऑक्टोपस ये इसमें सेपरेट ओपनिंग्स होती है, ठीक है। ऑक्टोपस में क्या होता है सेपरेट ओपनिंग्स होती है, माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है। एस्टेरस, एस्टेरस इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, तो इसमें भी सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ एंड फॉर एनस। एसीडिया, एसीडिया किसमें आता है, एसीडिया हमने पढ़ा था यूरोकोडेट्स में, ठीक है। तो इनमें भी सेपरेट ओपनिंग होती है फॉर माउथ, फॉर इंजेशन एंड फॉर एक्सेशन एंड फॉर एक्सक्रीशन। दैट मींस इनमें माउथ और एनस प्रेजेंट होता है। फैशोला प्लैट हेलमाइंथस, फैशोला प्लैट हेलमाइंथस, तो इनमें एक ही ओपनिंग होती है विच एक्ट्स एज माउथ एज वेल एज एनस। तो दैट मींस इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है इनमें, फैशोला में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है। दैट मींस तो इसमें एक ही ओपनिंग होती है जो बोथ एनस एज वेल एज माउथ एक्ट करती है, तो फैशोला इसका आंसर हो गया हमारे पास। उसके बाद है द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको इस वाले क्वेश्चन में नीचे दिए गए ऑप्शंस में से क्या ढूंढना है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन है। फ्लैट वर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्पॉन्जेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टीनोफोरन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या कॉरल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो देखो कॉरल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टीनोफोरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्पॉन्जेस ये तो मतलब ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि ये पॉरिफेरा में आता है। टीनोफोरियंस भी डिप्लोब्लास्टिक है, कॉरल्स भी डिप्लोब्लास्टिक है। तो रहा वहां पर ऑप्शन फ्लैट वर्म्स, इनको हम प्लैट हेलमाइंथस कहते हैं, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप कि सारों ने एंजॉय किया होगा ये। इसी तरीके से देखो आपको आप यही प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं एनिमल किंगडम में। आप आपने अभी तक एनिमल किंगडम सारा कंप्लीट किया है, नाउ द ओनली वर्क यू हैव टू डू इज कि आपको हर कोई फाइलम उठाना है। हर किसी फाइलम में एक तो पहले आप एग्जाम्पल्स लर्न उनके करोगे, एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और उनके मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लर्न करने हैं, और उसी के हिसाब से फिर आप क्या करोगे, फिर आप आपके पास कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक्स होंगी आपके पास, तो ट्राई टू टॉपिक वाइज आप या फाइलम वाइज आप एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे, ठीक है। वरना इसमें बहुत सारे, मैं बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए लाता, बट यहाँ पर वैसा पॉसिबल नहीं है मेरे पास, ठीक है।